तो वही दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल से जुड़ी हुई। दोस्तों अगर आप पबजी मोबाइल इम्यूलेटर के अंदर खेल रहे हैं पीसी पे, तो और दोस्तों बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो गेम लैग हो रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पबजी जो पीसी पर खेलते हैं इम्यूलेटर के साथ, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जो गेम लैकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर आपको ग्राफिक घटाने की जो एडवाइस नहीं देने वाला हूँ, आपको कुछ अलग तरह की सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप पबजी पीसी पर खेलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मोबाइल से जुड़ी कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में आपको पीसी से जुड़ी बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर दोनों चीज़ें बताने लगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम माय फ्रेंड्स इन रियल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त लपरी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पबजी मोबाइल इम्यूलेटर के साथ खेलते हैं, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई उनकी जो पबजी मोबाइल लैक होती है। तो सबसे पहले हम अपनी पबजी ओपन कर लेते हैं और प्ले कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने प्ले कर ली है यहाँ पे, और इसको काट देते हैं, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टास्क मैनेजर को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स जो होंगी, तो आपको टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर लिखा होगा ना सेकेंड लास्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर, ठीक है, एंड्रॉयड एमुलेटर है जिसके अंदर हमारी ये गेम चल रही है। ठीक है, और ये ऐप मार्केट है। ठीक है, इन दोनों को ही आपने जो प्योरिटी है इन दोनों की बढ़ा देनी है। और अगर आपके पबजी मोबाइल के अंदर प्रोसेसर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से अगर आपकी जो गेम लैक हो रही है, तो इसकी मदद से ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी प्योरिटी को बढ़ा देना है, अडोब नॉर्मल कर दीजिए या फिर हाई परफॉर्मेंस कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर अडोब नॉर्मल कर रहा हूँ इसके अंदर, और इम्यूलेटर की जो सेटिंग है उसे हाई कर रहा हूँ। ठीक है, बस हाई करते ही आप देख लीजिएगा पबजी मोबाइल कितनी जल्दी मेरी स्टार्ट हो जाएगी मिनटों सेकंडों में। दोस्तों हाई करने से क्या होता है, जो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है आपके प्रोसेसर की, और आपका जो प्रोसेसर होता है जिस पर भी हमें प्योरिटी हाई की होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग पहले करता है दूसरी चीज़ों से पहले। ठीक है, जिस पर भी हम प्योरिटी बढ़ा देंगे उसकी जो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी जो गेम लैक हो रही है, तो आपको ये सेटिंग करनी है, और इसकी मदद से आपकी जो गेम फास्ट चलने लगेगी। ये तो हो गई हमारी पहली सेटिंग, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर पबजी मोबाइल सेटिंग क्या रखता हूँ। तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको सेटिंग्स ग्राफिक की, तो देख सकते हैं मैंने HD किया हुआ है, यहाँ पर हाई किया हुआ है। तो दोस्तों इससे हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम दूर के यो किसी भी चीज़ को स्मूथली देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, और अपने जो निशाने को बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्मूथ कर देते हैं तो थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है, जो दूर का एरिया होता है वो आपको पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको HD रखें, बस अपने प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है उसे बढ़ा दें। तो अगली अगर मैं आपको सेटिंग बताऊँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड है तो अच्छे से पूरे ग्राफिक कार्ड के जो ड्राइवर्स हैं उन्हें इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अपने कॉन्फ़िगरेशन एंड स्विचेबल ग्राफिक के अंदर आपको जाना है, आपकी जो सेटिंग्स होती है ग्राफिक कार्ड की उसे चेंज करना है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन पावर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर बेस्ड ऑन पावर रखा है, क्योंकि दोस्तों मेरा जो कंप्यूटर है उसमें मैं हर टाइम अपना जो प्लग लगा कर रखता हूँ। अगर आप PC पर खेलते हैं तो आपकी जो ये सेटिंग है इसे, ठीक है, आप इसे हाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ड ऑन पावर होता है ये लैपटॉप पर ज़्यादा काम करता है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से अपना चार्जर निकाल देंगे तो ग्राफिक कार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम हो जाती है। तो आपको इसे हाई परफॉर्मेंस पर कर देना है। ठीक है, चाहे वो पावर पर हो चाहे ना हो, तो आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो अपनी हाई परफॉर्मेंस देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इसे हाई कर देते हैं तो इससे आपकी जो बैटरी है वो थोड़ी जल्दी डाउन होगी। तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई इसे परफॉर्मेंस को आप हाई कर दीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए। बस इन दोनों सेटिंग को करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। अगर आप PC पर गेमिंग खेलते हैं पबजी,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मोबाइल से जुड़ी कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपकी जो पबजी मोबाइल की जो लैकिंग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी इन सेटिंग से। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आती है और आज की वीडियो में जो भी मैंने सेटिंग्स बताई हैं इसे करने के बाद आपकी पबजी मोबाइल स्मूथली वर्क करती है, तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, क्या कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो को यहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, तो भाई शेयर करके अपने दोस्त की हेल्प कर दो। और इसके अलावा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।